दोस्त मेरे भाई मेरे यार, माइनक्राफ्ट खेलने के लिए वापस से हो गए तैयार। आज की इस वीडियो में हम लोग निकालने वाले हैं शहद, वो भी मधुमक्खी की छत्ते से। और हम बहुत सारी चीज़ों को आज जानेंगे, बट उसके पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि भाई देखो, मैं माइनक्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हैं, मैं इनको खेलने के लिए सिखाता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐड ऑन या तो किसी और तरह की मॉड को आपको इंस्टॉल करना है अपने माइनक्राफ्ट में, तो आप लोग बगविल के चैनल सबको देख सकते हो, वो लोग सिखाते हैं। और बट मैं जो हूँ वो सिर्फ माइनक्राफ्ट के टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स को सिखाता हूँ। और मेरे एक स्टोरी बेस्ड चैनल भी है जिस पर आपको सर्वाइवल सीरीज एंड अदर सारी सीरीज मिल जाएंगी, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो। और भाई एक भी स्टेप को स्किप मत करना, क्योंकि बाद में बंदे आके बोलते हैं भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग पूरे वीडियो ध्यान से नहीं देखते। भाई पूरे वीडियो देखो, आपको दूसरे कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ओके तो लेट्स गो स्टार्ट। ओके तो आज के हम लोग फर्स्ट पर्सन मोड पे नेचुरल हो गया, जैसे कि नेचुरल में रहता है। मैंने बिल्कुल वैसे ही इन्वायरमेंट बना लिया, आसपास में कुछ फूल लगा दिया और चार टोटल मधुमक्खियों को स्पॉन कर लिया। एक छत्ते में एक बार में दो ही मधुमक्खियाँ जा सकती हैं और ये कुछ देर तक रस को चूसेंगे। उसके दिन के पीछे वाला जो ये साइड है, इसमें कुछ शहर टाइप का लग जाएगा। आप लोग देखो देखो लगा ना, तो गए ये। ओके तो इसके बाद ये दोनों इसमें चले गए, बट इनको नहीं मिला। तो उसके बाद वो दोनों निकलेंगे जब, तब ये सब घुसेगा और घुस के साथ टोटल दो मिनट में बनाएंगे। हमें इंतज़ार करना होगा उसके लिए, अपने आप आपको बस वेट करना है, वेट। और एक बात मेरे दोस्त कि अगर आप लोग शहद निकालने जाओ तो बिल्कुल बैट ले जाना मत भूलना, क्योंकि इनको शहद बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, करीब एक एक दिन का पूरा समय लग जाता है। मीन्स माइनक्राफ्ट का जो पूरा दिन होता है, एक दिन, वो पूरा एक दिन कभी कभी लग जाता है इनको शहद बनाने में। और ये जो देख सकते हो अभी, इसमें शहद जब नहीं है तो इसमें ये जो दोनों डॉट्स हैं इस पे ब्लैक ब्लैक हैं, आपको दिखाऊंगा इसके बाद जब ये फूल हो जाएंगे तो कैसा होता है। तो दोस्त मेरे भाई देख सकते हो कि शहद इसमें पूरा भर चुका है और नीचे टपा टप नीचे चूने लगा रहा है। और जो मैंने कल मतलब कि माइनक्राफ्ट को पिछले दिन में दिखाया था कि ये दोनों ब्लैक ब्लैक हैं, बट अभी देखो ये गोल्डन कलर का हो गया, मतलब कि इसमें हनी हो गया है। बट आप लोग इसे गलती से भी तोड़ना मत, ये तो ऐसे हाथ से कुछ मत करना, नहीं तो ये आपको डंक मारेंगे और डंक मारने के दो मिनट के अंदर ये मधुमक्खियाँ मर जाएंगी, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा इसे ढूंढने का। और बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में मिलता है ये, आपको कहाँ कहाँ मिलता है ये भी बता दूँ कि ये आपको ब्रिंचवुड और डार्क कूड के जंगल में मिलेंगे, तो फिर उसी के लकड़ियों पे मिलती हैं, एक वाइट कलर का जो पेड़ होता है उसी पे। तो इनको पीसफुली निकालने के लिए आपको एक कैंप फायर लेना है और कैंप फायर को इसके नीचे प्लेस कर देना है। और जैसे आप लोग इसे प्लेस करोगे तो ये मधुमक्खियाँ आपको डंक कुछ नहीं मारेंगी। और सिंपली आप लोग दो काम कर सकते हो, इसे दो चीज़ों से निकाल सकते हो, पहला तो ग्लास बोतल से और दूसरा सीयर से। अगर आप लोग ग्लास बोतल से निकालोगे तो आप लोगों को वो बस पीने के काम में आएगा, उसे आप लोग यूज नहीं कर सकते हो। बट आप लोग अगर सीयर से निकालते हो तो उसका आप लोग बना सकते हो बी हाइव, जिसमें कि और ये मधुमक्खी को आप लोग पाल सकते हो। तो फटाफट से निकालते हैं, लेट्स गो। तो बस उस पर एक टैप करना है और आपको टोटल तीन हनी कॉम्बो मिल जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी, अच्छे से एक एक स्टेप मैंने इस वीडियो में बताया। और ऐसी और भी बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। और अगर आपका भी कोई समस्या कोई कमेंट हो तो नीचे करना, नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।